हेलो डियर चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वर्णमाला। वर्णमाला की प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा अ आ। आज हम पढ़ेंगे ई। ई से होता है इमली। क्या होता है? ई से इमली। यह है ई। और साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यह है ई से इमली की पिक्चर। इसे इमली लिखने के लिए बेटा आप अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के पास लाइन खींच कर दें, ताकि बच्चों को लिखने में हेल्प मिल सके। बच्चों को पता चले कि किस लाइन पे लिखना है और कितनी लाइन उन्होंने लीव करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास लाइन खींची हुई होगी, हम लिखना स्टार्ट करते हैं ई। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, खड़ी लाइन, फिर हम कर्व की सहायता से बनाएंगे ई। सबसे पहले बनाएंगे हम लेफ्ट कर्व, फिर लेफ्ट कर्व के एंड पर हम पेंसिल रखेंगे, फिर बनाएंगे हम राइट कर्व, राइट कर्व के एंड पर पेंसिल रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे हल्का छोटा सा गोला और नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये बन गया हमारा ई। इसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, फिर जहां पे आपकी लाइन खींची होगी वहां पर आपने पेंसिल को टच करना है। फिर से एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व के एंड पर पेंसिल रखेंगे, राइट कर्व, राइट कर्व के एंड पर पेंसिल रखेंगे, हल्की सी पेंसिल को ऊपर से घुमा के गोल बना के और नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बन गया ई। नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व के एंड पर पेंसिल रखेंगे, राइट कर्व, राइट कर्व के एंड पर पेंसिल रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर गोलाई बनाएंगे और नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यह है ई से इमली। अब इसके बाद आप वन लाइन लीव करोगे, फिर जहां पर आपके पास लाइन खींच हुई है वहां पर आप पेंसिल को टच करोगे, फिर से एक छोटी सी खड़ी स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, फिर राइट कर्व, फिर राइट कर्व से ले जाके नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ। ये बन गए ई। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बन गया ई से इमली। नेक्स्ट छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व के एंड पर पेंसिल रखेंगे, राइट कर्व बनाएंगे, राइट कर्व के एंड पर पेंसिल रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाके गोला बना के नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बन गया ई से इमली। अब इसके बाद आप वन लाइन लीव करोगे, फिर से स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, राइट कर्व के एंड पर पेंसिल रखोगे, थोड़ा सा हल्का पेंसिल को ऊपर की ओर घुमा के फिर नीचे की ओर लाइन को ड्रॉ करना है। ये बन गया ई। फिर नेक्स्ट स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, राइट कर्व के एंड पर पेंसिल रखोगे, हल्का सा थोड़ा ऊपर की ओर गोलाई बनाकर और नीचे की ओर पेंसिल को ड्रॉ करना है। ये बन गया ई। नेक्स्ट स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व के एंड पर पेंसिल रखोगे, राइट कर्व बनाओगे, राइट कर्व के एंड पर पेंसिल रख के थोड़ा सा ऊपर की ओर गोलाई बना के और नीचे की ओर पेंसिल को ड्रॉ करोगे। तो ये बन गया ई से इमली। क्या हुआ ये? ई से इमली। इसके बाद बेटा आप इस पेज को पूरा फिल करोगे, ठीक है, और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखोगे और साथ साथ में इसे लर्न भी करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।